उनकी सरकारी अनाज वितरण की दुकान पर सर्वर नहीं चलने से परेशान लोगों ने व्यवस्थाओं के खिलाफ नाराजगी जताते हुए लोगों ने दुकान पर प्रशासन से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की है। सोमवार की सुबह उनकी सरकारी अनाज वितरण की दुकान पर सर्वर नहीं चलने से लोग घंटों परेशान होते नजर आए तथा अंत में अनाज सामग्री नहीं मिलने से नाराज लोगों ने व्यवस्थाओं से नाराजगी भी जताई। लोगों का कहना है कि घंटों परेशान होना पड़ता है फिर भी सामग्री नहीं मिल पा रही है। इसी तरह छोटी उन में भी रविवार से लोग सर्वर समस्या से परेशान होते नजर आए। उनसे दिनेश ससुंधी की रिपोर्ट। क्या हो तुम यहाँ राशन दुकान पर? चार रोज हो गए सर। तो क्या अनाज नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा सर, मशीन बिगड़ी है। अच्छा, मशीन बिगड़ी। क्या नाम है आपका? राजा राम। हाँ अम्मा जी, कब से आए हो तुम? चार दिन में गया भाई। तो क्या अनाज नहीं मिल रहा? हाँ, मोटा ये मशीन नहीं चल रही। तो क्या समस्या आ रही है? मशीन कब से नहीं चल रही? चार रोज ही गया, बिल्कुल मशीन चल ही नहीं रही। राशन वितरण में किस तरह की समस्या आ रही है? राशन वितरण में ये कि पिछले माह भी मशीन नहीं चली, सर्वर नहीं चलने के कारण, और इस माह 1 तारीख को दुकान खुली थी, 1 तारीख के बाद आज तक सर्वर चला नहीं, केवल 10 कार्डों का वितरण हुआ है अभी तक। अब इस प्रकार दीपावली आ गई, दीपावली त्यौहार के पहले पहले वितरण हम किस प्रकार करें? तो आपने किसी को आगे अवगत करवाया? अधिकारियों को अवगत करवा दिया, हमारे अधिकारियों को लेटर दे दिया आगे, परंतु सर्वर में कोई समस्या में कोई सुधार हो नहीं रहा है। तो मतलब अभी कोई समस्या का समाधान नहीं? कोई समाधान नहीं। कितने महीनों से ये चल रही है? पिछले महीने तो हो गया था, पिछले महीने। इस महीने चली नहीं टोटल, अभी आज तक मना के चलो कि 30 कार्ड भरे केवल अभी तक। क्या नाम है आपका? मनोज लाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।